हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फर्नीचर हाउस में। आज मैं आपको एक 6x4 का दीवान बेड दिखाऊंगा। साथ में साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको दीवान बेड लेना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और ताकि आप मतलब बेस्ट क्वालिटी दीवान ले सकें एकदम चीप प्राइस पे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इस दीवान बेड की बात करूँ तो आपको इस दीवान बेड का साइज़ 6x4 मिलेगा। आप देख सकते हैं अंदर 6x4 मिलेगा। कुछ दीवान बेड ऐसे होते हैं जिनकी बाहर 6x4 होती है साइज़, लेकिन जो इस दीवान बेड का साइज़ है वो 6x4 है। दीवान बेड 6x3 में भी आते हैं, लेकिन ये 6x4 का दीवान बेड है। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट मायके पे बना हुआ है। ये कंप्लीट दीवान बेड मायके पे बना हुआ है। उसके साथ साथ इस मायके के ऊपर पॉलिश करी गई है। उसके जो पाए हैं दोस्तों सारे चारों, वो भी मतलब ये जो चारों पाए हैं ये सब सागवान की लकड़ी पे लगे गए हैं। और जो भी इसके अंदर सपोर्टें लगी हुई हैं, सपोर्टें मतलब इन द सेंस जो 6mm की जो नीचे की प्लाई होती है, यहाँ पे स्टोर रखते हैं उसको सपोर्ट करता है, उसको सपोर्ट कहते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों आप भी देख सकते हैं बिडिंग लगाई गई है। बिडिंग के ऊपर हमने पॉलिश करा हुआ है और ये लकड़ी गुलाई में लकड़ी है, इसको पॉलिश करा हुआ है। दोस्तों ये बेड फोल्डिंग में है। फोल्डिंग का दोस्तों ये मतलब होता है कि सारे पार्ट खुल जाएंगे, और फिक्स वाला जो होता है मतलब दो में बनता है, एक बनता है फोल्डिंग एक बनता है फिक्स। फोल्डिंग में दोस्तों ये रहेगा सारे पार्ट खुल जाएंगे, और फिक्स में दोस्तों ये रहता है कि आपके कोई भी पार्ट खुलेगा नहीं। और अगर मैं दिखाऊं आपको अंदर से तो आप ये देख सकते हैं, ये एक और दीवान बेड सेम है, सेम कलर सेम बाइक का। आप ये अंदर से देख सकते हैं, अंदर से ये फोल्डिंग है, वो फोल्डिंग है मतलब चारों इसके सारे पार्ट खुल जाएंगे। ये भी खुल जाएगा, इसका सारे पार्ट सब कुछ इसका अलग अलग हो जाएगा, इसीलिए इसको फोल्डिंग कहते हैं। और आप देख सकते हैं इसके अंदर नॉर्मली पेंट हुआ है। और लकड़ी दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था, ये जो सारी लकड़ी लगी हुई है ये सब सागवान की लकड़ी लगी हुई है। सागवान में बहुत सारी क्वालिटी आती है, और इंडियन सागवान, टीक सागवान, बहुत सारी लकड़ी आती हैं। और इसको भी देख सकते हैं साइड से मतलब माइके के ऊपर भी हमने पॉलिश करा हुआ है। और दोस्तों जो पॉलिश वाले होते हैं उनके ऊपर बीनियर लगा देते हैं और पॉलिश कर देते हैं। माइके के ऊपर पॉलिश करने से क्या होता है, थोड़ा खूबसूरती थोड़ी बढ़ जाती है, मतलब थोड़ा शाइन आ जाता है उसके अंदर। उसके साथ साथ अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी आपको पॉलिश मिलेगा, नॉर्मल पॉलिश है इसके ऊपर। उसके साथ साथ आप बिडिंग देख सकते हैं, जो ये हाफ राउंड बिडिंग लगाई है ये भी पूरी ब्लैक कलर की पॉलिश करी हुई है, और ये बिडिंग ये भी ब्लैक कलर की पॉलिश करी गई है। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर दोस्तों जो प्लाई रखी हुई है 12mm की, इसके ऊपर प्लाई रखी गई है, जो इसके ऊपर आप जहाँ मैट्रेस रखेंगे इसके ऊपर 12mm की प्लाई रखी हुई है। और अगर नीचे की बात करूँ, जो नीचे साइड है ये दोस्तों, ये 6mm की प्लाई रखी गई है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करा सकते हैं। और उसके साथ साथ प्लाई में भी क्वालिटी होती है, तो MR ग्रेड का जो प्लाई है वो MR ग्रेड का इसमें प्लाई लगी है। MR मतलब एक ग्रेड होता है क्वालिटी, जो बताता है कि कौन सी क्वालिटी की प्लाई है। ज़मीन से अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ, ज़मीन से ही आपको पूरा मिलेगा 20 इंची, ज़मीन से आपको पूरा 20 इंची मिलेगा ऊपर। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ऊपर आपको स्टेनलेस स्टील के हैंडल मिलेंगे खोलने में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कहीं से भी दीवान बेड लें तो किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखें। दोस्तों आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि किस क्वालिटी का माइका लगा रहे हैं आपके दीवान बेड पे। माइका लगा रहे हैं तो किस क्वालिटी का लगा रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं तो किस क्वालिटी की पॉलिश कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि वो कितने एम के ऊपर प्लाई डाल रहे हैं। आपको सबसे पहले वो जानना है कितने एम के वो प्लाई डाल के दे रहे हैं, नीचे कितने एम की आपको प्लाई डाल के देंगे, उसके साथ साथ प्लाई कौन सी क्वालिटी की वो डाल के देंगे। उसके बाद ये बात आती है, आपको उनसे पूछना है कि हाँ वो कितने साल की आपको बेड की वारंटी गारंटी कितने साल की वो आपको देंगे। जितने भी साल के देंगे आपको वो चीज़ अपने बिल पे मेंशन करानी है। और ये ज़रूर जानना है कि हाँ लकड़ी की जो लकड़ी है उसमें घुन ना लगे, इस चीज़ की भी आप हमको वारंटी पेपर पे लिख के दीजिए कि हाँ इस जो आप हमको बेड दे रहे हैं दीवान बेड, इस पर घुन नहीं लगेगा इतने साल तक। ये आप उनसे बिल पे ज़रूर मेंशन करवा लीजिए। ये इसलिए कि इन फ्यूचर का अगर आपका बेड ख़राब होता है तो इनकी उनकी ज़िम्मेदारी बन जाएगी पूरी उस बेड को ठीक करने के लिए। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई क्वेरी है फर्नीचर रिलेटेड, अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा मैं फर्नीचर लूँ चाहे ना लूँ, कोई भी क्वेरी है फर्नीचर रिलेटेड, तो आप उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इस दीवान बेड के बारे में और
डिटेल जाननी है तो आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।